Hey yo, what's up? Welcome to SK Entertainment Blog, powered by Sarvesh. नए साल की एक बार फिर से आपको ढेर सारे शुभकामना। पहली बात तो मैं आज मैं लगातार पिछले 2-3 दिन से नाइट कर रहा तो बहुत बीमार हूँ, इसलिए आज काम पे जा नहीं पाया। और बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि अभी बाहर जाने के कोई रास्ता है कि नहीं है। मतलब अगर आप बाहर जाएंगे, डायमंड जेल में जो काम करते, बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, सऊदी अरब, दुबई, अबू धाबी, बहुत सारे लोग जाते हैं। तो अभी जाने के कोई परमिशन है कि नहीं है, कैसे जाएंगे, अभी वीज़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, काम है कि नहीं है, ऐसे बहुत सारे कमेंट मेरे इंस्टाग्राम पर आ रहा है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो क्यों नहीं बनाता, और इसके ऊपर बहुत सारी इंपॉर्टेंट भी वीडियो आज मैं बताने वाला हूँ कि इसके ऊपर बहुत सारे 2 नंबर केस भी होता है। तो इसीलिए जो लोग बाहर जा रहे हो या फिर बाहर जाना चाहते हो, या फिर ये कि मैं बाहर जाऊंगा, बाहर जाके बहुत पैसा कमाऊंगा, दुबई जाऊंगा, सऊदी अरब जाऊंगा, बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप बाहर जाते हो तो अभी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात होता क्या है कि अगर आप बाहर जाते हो, बराबर, अगर आप बाहर जाते हो कि कैसे जाओगे। पहले बात तो कोविड के लिए अभी सिस्टम कर दिया कि आपको 2 वैक्सीन लेना पड़ेगा, तो 2 वैक्सीन का रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वीज़ा टिकट मिल सकता है, वरना नहीं। पहला प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट जो बात है जिसके लिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ, वो क्या है कि अगर आप बाहर जाते हो, बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग हैं हमारे जैसे, बहुत सारे गरीब लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि मैं बाहर जाके दुबई, सऊदी अरब जाके कुछ करूँगा, कुछ पैसा कमाऊँगा। और गांव वाले को तो लगता है बाबा मेरा बेटा दुबई में रहता है, मैं जो दुबई में क्या करते हैं उसको पता भी नहीं चलता। अरे उससे अच्छा है गांव में जो खेती बाड़ी करते हैं ना, जो टोटो चलाते हैं, वो बहुत बढ़िया रहता है भाई। दुबई में गलत की ज़िंदगी हालत मतलब रहते हैं उन लोग। जो भी है, मैं यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ पैसे के लिए, यहाँ पर काम करने के लिए गया है, बस बात सही है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि दलाल के चक्कर में फंस जाते हैं। तो कैसे फंस जाते हैं वहाँ पे कि आप, खास करके डायमंड ज्वेलरी के ऊपर ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो लाइक आप एक काम के लिए अप्लाई किया, तो उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये मेरे पास ऐसा ऐसा जॉब है, आप जिस रिक्वायरमेंट का काम ढूंढ रहे हो, इस रिक्वायरमेंट का काम मेरे पास है, दुबई में इतना इतना सैलरी है, 40-50 हज़ार सैलरी है, खाना पीना रहने का टोटली फ्री है, लाड़ रसम सब फ्री है। लेकिन उनको क्या है, 60 हज़ार, 1,80,000 भरना पड़ता है। बात ये समझ लो आप कि वीज़ा टिकट उसका होता ही नहीं है, वीज़ा टिकट सब कंपनी का होता है फ्री, यानी 50 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख जो भी आप दे रहे हो उस बहनचोद को, तो पूरा का पूरा उसका जिम्मे जा रहा है, पूरा का पूरा आपका फ्रॉड हो रहा है, टोटली फ्रॉड। उसके ऊपर चलो कोई बात नहीं, अपने पैसे के लिए अपना जमीन गिरवी रख के किसी भी हालत में, मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग क्या करते हैं, ऐसे करके किसी भी हालत में पैसा जुगाड़ करके उस लड़के को देते हैं और चले जाते हैं बाहर। लेकिन बाहर जाके होता क्या है, असली फंडा तब खुलता है कि खाना पीना रहने का मिलता नहीं है, रहने का तो चलो मिलता है, लेकिन खाने को सलाह अपने पैसे से करना पड़ेगा। अब ज्वेलरी में लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी कितना होती है पता है सर, 1800, 1700, 1800, ज़्यादा से ज़्यादा 1900 तो होता ही नहीं है। मेरी बात को यकीन करे, 1900 से ज़्यादा सैलरी होता ही नहीं है, यानी 1900 तकरीबन इंडियन मनी होता है आपका 35,000 से 38,000 तक होता है। 38 अब 40 पकड़ो, चलो 40 हज़ार सैलरी है, उसमें से खाने का आपका चला जाएगा 20 हज़ार, मतलब कुल मिला के आपका 1,000 ड्रम चला ही जाएगा, कुल मिला के आपको 800 रुपये या 1,000 ड्रम चला ही जाएगा। तो बचा कितना, 1,000 ड्रम, 800 ड्रम बचेगा, उसमें कितना बचा, 20-22 हज़ार रुपये बचेगा। तो 20-22 हज़ार रुपये के लिए अपने उस लड़के को पैसे दे रहे हो, फिर बाहर जाओ परिवार फैमिली छोड़ के इतना साल। भाई हमारा डायमंड ज्वेलरी इतना तरक्की कर चुके हैं इंडिया में, चलो लोग यहाँ पे 30-40 हज़ार रुपये कमाओगे, क्यों, क्या क्या मुंह खुलवा रहे हो, मुंह पे मरवाने के लिए जाओगे तुम लोग ऐसे। तो ये जो चीज़ होता है ये बहुत फ्रॉड होता है, पहला फ्रॉड। और दूसरे फ्रॉड कैसे होता है कि आपने उनको पासपोर्ट दे दिया, बहुत सारे लोग पासपोर्ट मांगते हैं, भाई मेरे को पासपोर्ट दे दो और पैसा एडवांस दे के जाओ, तो बहुत लोग 10 हज़ार, 15 हज़ार एडवांस दे देते, पासपोर्ट दे देते, वो डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो जो देते हैं ना वो भाई कंट्रोल हो जाते हैं, भाई मेरे को नहीं जाना है, मेरे को पासपोर्ट वापस दे दो, वो लड़ा पासपोर्ट वापस भी देता नहीं, तो पासपोर्ट वापस पाने के लिए भी पैसा भरना पड़ता है। तो
ऐसा करते हैं इन लोग। तो मेरे ख्याल से डायमंड ज्वेलर के जो काम करते हो, जैसे कि फाइलिंग हो गया, पॉलिश हो गया, रोडियम हो गया, माइक्रो सेटिंग हो गया, तो ये सब का काम के लिए इंडिया में बहुत पैसा है सर, बहुत पैसा। अगर आप माइक्रो सेटिंग का काम करते हो तो आपको पता है भाई कितना कमा सकते हो आप इंडिया में। तो मत जाओ, अगर बाहर जा रहे हो तो सैलरी तकरीबन अच्छा सा होना चाहिए, हाई सैलरी होना चाहिए। तो इस टाइप का काम के लिए अभी आप जा रहे हो, आप थोड़ा बराबर आपके काम को कहाँ पे जा रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उस जगह को, उस काम को, उस सैलरी को, कौन किसके साथ बात, किसका साथ कनेक्शन है आपका, उसका बराबर वेरीफाई करो, उसके बाद आप जाओ, नहीं तो टोटली फंस जाओगे। ये टोटली बहुत सारे ऐसे केसेस होता है भाई, बहुत सारे ऐसा फ्रॉडगिरी होता है। तो इसी वीडियो में, आज की वीडियो जो है इसके ऊपर है कि, और जो लोग गणित का काम करते हैं, जो गड़ने का, नेकलेस का, जो गणित का काम होता है, उनके लिए भाई सही है, क्योंकि उन वो काम में बहुत सारे ऐसे वीडियो में बता चुका हूँ कि ये काम मत सीखो, छिलन का काम है, ये पॉलिशिंग का काम है, उसके बाद गणित का काम है, बहुत सारे ऐसे काम है कि ये काम मत सीखो, इसमें इंडिया में कोई डेवलप नहीं है, कमा नहीं सकते। तो उन लोग बाहर जाते हैं, उन लोग 20-22 हज़ार कमाते हैं बाहर, चलो बात सही है। लेकिन अब जो डायमंड ज्वेलरी का काम कर रहे हो, उस काम में बाहर मत जाओ, यहाँ पे बहुत पैसा है, खास करके मुंबई में, गुजरात में बहुत पैसा है, तो आप मत जाओ। तो ये वीडियो इसी के ऊपर है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इसके एंटरटेनमेंट ब्लॉग पावर बाय सर्वसेक, और बेल आइकन को इसमें बिल्कुल ना भूलें। हमारा ब्लॉग बहुत जल्द आने वाला है, ब्लॉग 38 शूट चल रहा है अभी, तो मिलते हैं ब्लॉग 38 में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।